नमस्कार दोस्तों, यदि अपना एक बेहतर फ्यूचर आप बनाना चाहते हो और ETF में ही आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो दोस्तों एक ऐसे क्षेत्र के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं जिस क्षेत्र में दोस्तों जब भी गिरे तब आपको उठाना है और भविष्य आपका इतना बेहतर बन के तैयार हो जाएगा दोस्तों। उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पोटेंशियल मुझे दिखाई दे रहा है और वो अभी तक ETF जगत में, ये इससे पहले वो ETF नहीं था दोस्तों, ये ETF 22 मार्च 2024 को ही लॉन्च हुआ था। तो दोस्तों ऐसा कौन सा सेक्टर है, तो दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण से बताना चाहता हूं कि आज के दिन आप अगर अपने आप के ऊपर रख लो, आप गांव में रहते हो तो आपका हर वक्त यही सपना होता है कि मुझे कहीं एक अच्छा सा प्लॉट लेना है, अच्छी सी खेती लेनी है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हमें जगह खरीदने की हम लोग सोच रहे हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रियल इस्टेट की। तो रियल इस्टेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ऐसा इन्वेस्टमेंट है, इसमें कहीं ना कहीं पोटेंशियल आपको खुद ही अब लग रहा होगा कि हम सही बोल रहे हैं। तो दोस्तों रियल इस्टेट में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप या तो स्टॉक में जाएंगे या म्यूचुअल फंड में जाएंगे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं वहां पर आपको 2-2.5% तक का आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, तो वो आपसे बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, तो हमें वहां पर खर्चा अपना कम देना है। तो रियल इस्टेट में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा ETF आया है दोस्तों जो आप म्यूचुअल फंड भूल जाओगे, यहां पर केवल जब भी मौका, जब भी डिप मिले तब आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और दोस्तों मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं कि आज मार्केट ने तो बिल्कुल हाई पे है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसी पोजीशन अमेरिका में भी थी, उसने सबसे पहले हाई बनाया, अब वहां पर करेक्शन ले रहा है तो अब वो नीचे गिर रहा है। तो इंडियन मार्केट भी दोस्तों कहीं ना कहीं गिरेगा क्योंकि अब चुनाव तो नजदीक है, चुनाव की नजदीक में और मार्केट भी हाई पे है, तो कहीं ना कहीं अब टॉप बनाएगा तो गिरेगा। तो दोस्तों आपको इस ETF में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, यहां पर अपनी SIP स्टार्ट करो, लमसम में पैसा डालो, यानी एक साथ पैसा डालो, तो वो दोस्तों कौन सा है, रियल इस्टेट का ऐसा ETF। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं मोतीलाल ओसवाल का रियल्टी ETF है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल का रियल्टी ETF है जिसका हम संकेत में लिख सकते हैं MOREALTY। इसका इससे आप डालोगे तो ETF आपको मिल जाएगा, जहां ये 22 मार्च 2024 को दोस्तों ये लॉन्च हुआ था और इसने लगभग 3 माह में दोस्तों, केवल अभी 3 माह में लगभग 18% का दोस्तों रिटर्न दिया है। और यहां पर ये इसमें जो अभी AUM है दोस्तों लगभग 15 करोड़ है, जहां पर अप्रोक्स जिस तरीके से नया ETF है दोस्तों, कहीं ना कहीं इसका AUM बहुत अच्छा है और इस पर जो खर्चा लगने वाला जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.4 है, यानी अगर म्यूचुअल फंड में यही चीज अगर वहां आप लेते तो लगभग आपका एक्सपेंस रेशियो 1% या 1.2% या लगभग 1.5% के समथिंग आपको देना पड़ता है। इसके बाद स्टाम्प ड्यूटी है, एग्जिस्ट लूट है, बहुत वगैरह वगैरह, लगभग 2% आपका चला जाएगा, तो यहां पर 0.4% का ही है। और यहां पर दोस्तों जो इस ETF में जो होल्डिंग है वो बहुत टॉप की ही होल्डिंग है, 10 स्टॉक इसमें नंबर ऑफ स्टॉक जो है दोस्तों वो अप्रोक्स 10 है। कौन कौन से हैं जरा उनको भी पढ़ के देख लेते हैं, तो यहाँ पे DLF है, माइक्रोटेक देवास है, फिनोनिक्स है, ओवरेज है, प्रेस्टेज स्टेट है, ब्राइजीज है, शोभा है और महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, जैसे बड़ी टॉप टॉप की कंपनियां यहां पर 10 रियल इस्टेट से हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये जब भी दोस्तों विश्वास करना, ये ETF जब भी आपको डिप में मिले तो बस आप निकालिए मत इसको, 10 साल के लिए दोस्तों केवल यहां पर SIP स्टार्ट कर देना। यदि आपकी उम्र
मान के चलते हैं 30 साल 40 साल, तो दोस्तों रिटायरमेंट तक आपके पास इतना बड़ा बिग फंड होगा जो आप अनुमान से कोई भी काम मत करना। केवल यहां पर आपके पास जब भी ये डिप आए, 1,000 रुपए 500 रुपए 2,000 5,000 10,000 जो आपके पास हो, 1 लाख 2 लाख डिप में उठाना है, बेचना नहीं है। तो यहां पर दोस्तों और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पर कुछ मैंने इस टाइम जो लगभग ये 102.89 रुपया इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है, तो दोस्तों ये इसका करंट प्राइस चल रहा है। तो डिप में कहां कहां आप इसमें बाइंग कर सकते हो, तो नंबर एक पे आप 97.88 रुपया पे यदि मिले तो आप यहां पर बाइंग करना। नंबर दो यहां पर 94.25 रुपया पे मिले तब बाइंग करना। तीसरा नंबर 88.08 रुपया पे मिले तब आप बाइंग करना। लेकिन ये भी ना मिले, कुल मिलाकर 1% 2% 3% जब भी ये डिप में मिले, तो दोस्तों कहने का मतलब मेरा इतना है कि ये जो रियल इस्टेट का मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी का रियल्टी ETF है दोस्तों, ये रियल इस्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये ETF जब भी आपको डिप में मिले आप इसको उठाते रहना, आपके सपने दोस्तों पूरे होंगे और आप रिटायरमेंट के समय आपके पास एक बहुत बड़ा बिग अमाउंट आपके पास होगा दोस्तों। तो ये वीडियो बनाने का मतलब मेरा यही था, क्योंकि रियल इस्टेट एक ऐसी पावर है, एक ऐसी स्ट्रेंथ बन के उभर रही है, क्योंकि हर इंसान का दोस्तों एक ही सपना है कि उसके पास जमीन हो। तो जमीन की जब डिमांड होगी, जमीन तो आपके पास उतनी ही है, तो उसका रेट आज आप एक प्लॉट लिपि डाल दे, कल साल दो साल बाद देख लेना उसका पैसा लगभग डबल हो जाता है दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें, इस मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ETF में अपना इन्वेस्टमेंट जब भी ये गिरे आप दोस्तों बिना कहे उठाते रहो। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को रखना। स्टेट एक ऐसी जगह है जहां पर पैसा आपका बढ़ना 100% तय है। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू सीरीज के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।